हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे रेड ब्रिक्स जो यूज़ करते हैं साइट पे आमतौर पे घर कंस्ट्रक्शंस के लिए मोस्टली इंडिया में। सो मटेरियल ऑर्डर करने से पहले किन चीज़ों को मतलब अब कंसिडरेशन में लेना चाहिए, मतलब कैसा रेड ब्रिक्स का क्वालिटी चेक करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। अराउंड 6 to 7 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और बताएंगे आपको कि किन चीज़ों को चेक करना चाहिए और कैसे आप जज करेंगे कि ये सही क्वालिटी का ब्रिक है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट में अपन चेक करेंगे विजुअल इंस्पेक्शन, मतलब आप जब भी मटेरियल लेने के लिए जाते हैं तो जो आप चेक करना चाहिए कि उसका साइज, शेप और कलर के बारे में। सो जो आमतौर पे आपको दिखता है, सो फर्स्टली आप कलर चेक करना चाहिए जो कि मतलब सही तरह से उसको जलाया गया ईंट का कलर जो होता है डार्क कलर में होता है, रेड कलर में होता है, डार्क कलर में या फिर कॉपर कलर में भी कह सकते हैं आप। सो डार्किश कलर, डार्क कलर में रहेगा। अगर लाइट कलर में दिखेगा तो मतलब वो सही तरह से बर्न नहीं हुआ, मतलब सही तरह से उसको जलाया नहीं गया। अगर इसमें कई मतलब ज़्यादा जलाया गया तो उसको दो कलर में दिखेंगे आपको, ब्लैक कलर भी और मतलब आपको आइडेंटिफाई होगा। मेरे पास वो सैम्पल तो नहीं है बताने के लिए। सो ओवरऑली उसको ब्लैक कलर भी रहेगा, जिसका मतलब होता है कि वो ओवरबर्न। सो ओवरबर्न मतलब ज़्यादा जलाने से और कम जलने से क्या होता है, जिसका शेप कह सकते हैं आप, वो बिगड़ जाता है। सो जिस शेप में उसको काटा गया है, जिस शेप में उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाना चाहिए, वो प्रोडक्ट शेप आपको नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये जो सैंपल हम लेके आए हैं इसका देख सकते हैं आप लाइट कलर में, मतलब सही तरह से बर्न नहीं हुआ, मतलब सही तरह से इसको जलाया नहीं गया। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया। इसके साथ साथ आप चेक करेंगे शेप के बारे में। अभी जब शेप का आप चेक करेंगे, आप देख सकते हैं कि डैमेजेस या फिर इसका जो कॉर्नर एडजेस जो है स्ट्रेटनेस नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें लम्स है, मतलब इसमें होल जो है, मतलब इसमें जो पत्थर भी रहेंगे, मतलब सही तरह से इसकी फिनिशिंग भी नहीं है। और ये बैक साइड में भी आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग जो है लेवल नहीं है। सो ये सेकंड क्वालिटी ब्रिक्स कह सकते हैं आप, जो क्लास वन है, क्लास वन में नहीं आ सकता ये, क्योंकि इस शेप और कलर स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। सो ये आप कह सकते हैं सेकंड क्वालिटी ब्रिक। इन चीज़ों को आप साइट पे विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। साइज जब चेक करेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से रेड ब्रिक्स का लेंथ जो होता है 9 inches का होना चाहिए, जो कि आपको जब अभी मिलता है 8.5 inches का, जो कि 0.5 inches आपको मोटर जॉइंट के लिए मिलेंगे। और विड्थ में 4 inches का रहेगा, हाइट में 3 inches यानी 7.5 centimeters का हाइट रहेगा इस ब्रिक का। सो स्टैंडर्ड के हिसाब से मतलब साइज मेंटेन किया गया है इस ब्रिक का, लेकिन कलर के बारे में देखा जाएगा तो सही तरह से इसको बर्न नहीं किया गया। फ्रेंड्स, ये जो एरिया है मतलब इसको फ्रॉक कहते हैं, ये टेक्निकल टर्म है, और इसका साइज़ होना चाहिए 100 mm का इनर डायमेंशन, लेकिन ये जो सैम्पल है इसका साइज़ 145 mm है, जो कि बियॉन्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से है। और विड्थ में चाहिए 40 mm का, जो कि यहाँ पे आपको 50 mm का है, मतलब इन साइजेस में। और ये जो हाइट है इसका 10 mm का, 10 to 20 mm का डेप्थ होना चाहिए। सो डेप्थ का तो मैच करेगा क्राइटेरिया, लेकिन लेंथ और विड्थ का स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच नहीं कर रहा। इसमें एक अनइकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, मतलब इसमें ज़्यादा मोटर लगता है। अगर इससे ज़्यादा, इससे जो स्टैंडर्ड साइज़ हम बताएं आपको 100 mm by 40 mm का, अगर उससे भी छोटा है साइज़ तो उसमें कंपैटिबल नहीं रहता, मतलब उसमें जो मोटर फिनिशिंग के लिए, लेवल के लिए डालते हैं, सो उसमें बॉन्डिंग सही तरह से नहीं होता। सो उसके लिए सही तरह से स्टैंडर्ड जो इंडियन स्टैंडर्ड्स कहते हैं उसके हिसाब से आपको मैन्युफैक्चर करना चाहिए। सो जब भी आप सेलेक्ट करते हैं इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान से रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सीमेंट मोटर, मतलब एक ब्रिक में जो सीमेंट मोटर जो ज़्यादा होता है, एक्सेस होता है, तो वैसे कितने ब्रिक्स आप लगा रहे हैं, 40,000 50,000, सो उसका कितना कॉस्ट आपको बढ़ जाएगा। सो इसके हिसाब से आप इकोनॉमिकल वाइज में आप सोचिए और सही तरह से आप मटेरियल को जज करिए ऑर्डर करने से पहले। सेकंड पॉइंट में चेक करेंगे कि रेड ब्रिक का हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस का मतलब होता है कि जब अपना फिंगर का जो नेल है, नाखून है, नाखून से आप जब इंप्रेशन करते हैं इस पर, सो कोई तरह का इंप्रेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में चेक करेंगे सॉन्डनेस के बारे में। सॉन्डनेस का मतलब होता है कि जब टू ब्रिक्स को लेके इस तरह स्टक करेंगे, स्टक का मतलब होता है कि दो को हिट कर लेंगे,
तो आपको एक साउंड सुनने आएगा, उसका मेटालिक साउंड या फिर रिंगिंग साउंड कहते हैं टेक्निकल टर्म। और जब हिट करेंगे तो ये ब्रेक भी नहीं होना चाहिए। सो टेस्ट करेंगे इसका, तो आप देख सकते हैं इस तरह साउंड एक सुनाई देता है। और ब्रेकेज भी कुछ नहीं है, मतलब एडजस्ट, मतलब छोटा सा ब्रेकेज है और ज़्यादा डैमेज नहीं है। सो एक गुड क्वालिटी कह सकते हैं साउंड। इसमें एक और भी टेस्ट करेंगे जो कि इस ब्रिक को करीब 5 feet हाइट से ड्रॉप करना चाहिए, और ड्रॉप करने के बाद आपको इस ब्रिक में कोई चीज़ का डैमेज नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे होमोजेनिटी के बारे में। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि ये जो ईट का प्रोसेस है इसमें किसी तरह का लम्स यानी पत्थर वगैरह कुछ चीज़ें नहीं होना चाहिए, जिसको सही तरह से कम्पैक्ट होना चाहिए, जिसको अपन कहते हैं कि होमोजेनिटी। सो हम एक सैम्पल को ब्रेक किए हैं। ये जो सैम्पल है जिसको हम ब्रेक करके देखें तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह का होल्स है, और शायद इसमें एक स्टोन भी था। तो कहने का मतलब ये है कि इसको सही तरह से मेकिंग नहीं किया गया। सो अब साइड पे इस तरह चेक करें कि इसका होमोजेनिटी का मतलब सही तरह से इसको वेल कंपैक्टेड है, होल्स वगैरह नहीं रहना चाहिए, मतलब और पत्थर वगैरह नहीं रहना चाहिए। सो सही तरह से फिनिशिंग होना चाहिए, ये पोर्स वगैरह नहीं रहना चाहिए आउटर सरफेस पे। सो इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान दें। फिफ्थ पॉइंट में बात करेंगे वाटर अब्जॉर्प्शन रेट के बारे में, जो कि अच्छा क्वालिटी का ब्रिक जो है 20% वेट से ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए जब वाटर में ये 24 आवर्स के लिए इमर्स कर दें। इमर्स का मतलब होता है कि एक बकेट में वाटर लें और उसको डुबा के रख दें 24 आवर्स के लिए, और उसका वेट चेक करें। हम जो सैम्पल टेस्ट किए हैं ड्राई ब्रिक का भी वेट चेक किए हैं, जो कि हमको 2.4 kg का आया, और एक बकेट में 24 आवर्स के लिए इमर्स करके रखें वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए, 24 आवर्स के बाद हम जो वेट चेक किए उसका 2.8 kg का है, मतलब 20% अब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से आया। और अगर उससे ज़्यादा अगर अब्जॉर्प्शन हो जाएगा सो या फिर तो प्रॉब्लम ये रहेगा कि जब आप मोटर ले करते हैं जॉइंट के लिए, ब्रिक्स लेइंग के लिए, सो सीमेंट मोटर जो यूज़ कर रहे हैं उसमें का जो वाटर है ये ब्रिक आपको अब्जॉर्ब करेगा। सो उससे क्या होता है, जो आपके जॉइंट्स में क्रैक्स आना या फिर प्लास्टर्स में क्रैक आना, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सो आप चेक करना ज़रूरी है कि वाटर अब्जॉर्प्शन रेट बिलो 20% के हिसाब से रहना चाहिए, या वो 20% के हिसाब से अगर है तो आप बेहतर है कि उस तरह का ब्रिक ना लें। सिक्स पॉइंट में बात करेंगे एफ्लोरेसेंस के बारे में। एफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि सॉल्ट डिपॉजिट होना ब्रिक पे, उसको किस तरह टेस्ट किया जाएगा। आप एक ट्रे लेना चाहिए जो कि रेक्टेंगुलर ट्रे या फिर स्क्वायर ट्रे जो भी है। सो 2 से 3 सैम्पल ब्रिक्स के लेना चाहिए। ये मेन चीज़ तौर पे ये लैबोरेटरीज में टेस्टिंग किया जाता है, और बेसिकली सिविल इंजीनियर्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूरी है कि किस तरह वो चेक करना चाहिए। और आमतौर पे कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर घर के ओनर्स जो भी है वो चेक नहीं करते, क्योंकि उतना वो उनका नॉलेज नहीं होता इसके बारे में। सो बेहतर है अगर इस तरह इस वीडियो आप देखते हैं तो इसका थोड़ा सा टेस्टिंग करें, ताकि आपको पता लगेगा। क्योंकि ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पे जो सॉल्ट डिपॉजिट होता है ब्रिक पे, वो सॉल्ट जो है पोटेशियम सोडियम का सॉल्ट्स होते हैं, जो कि डेंजरस सॉल्ट्स हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं आपके प्लास्टर पे भी सॉल्ट आना या फिर प्लास्टर पे क्रैक्स आना सॉल्ट की वजह से। तो इस तरह देख सकते हैं जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम है इसका मैन्युफैक्चरिंग का सॉइल के बारे में। जो मिट्टी वो यूज़ कर रहे हैं ब्रिक बनाने के लिए, उस मिट्टी में कई सारे सॉल्ट्स है जो कि हार्मफुल है, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़फुल नहीं है। सो उस मिट्टी से अगर आप ईंट बनाएं तो वो ईंट का डिफेक्ट है आपका प्लास्टर पे दिख के आएगा कि किस तरह वो सॉल्टनेस बताता है और क्रैक्स भी दिखाता है। सो देखते हैं इसको किस तरह टेस्ट करते हैं। पहले तो आप चाहिए कि एक रेक्टेंगुलर ट्रे या फिर स्क्वायर ट्रे जो भी है आपके पास वो ले लें, और 2 से 3 सैंपल्स उस पर अरेंज करें इस तरह, और मिनिमम इसका वाटर डेप्थ रखना चाहिए 2.5 cm, मतलब उसका मतलब होता है कि 1 inch का वाटर डेप्थ रखना चाहिए सिर्फ, और ट्रे में फुल करना चाहिए 1 inch का डेप्थ का वाटर। फिर उसको एवोपरेट होना चाहिए, वो एवोपरेट होने के बाद फिर दूसरी बार फिर सेम रोटेट करना चाहिए आपको, फिर 2.5 cm का वाटर आपको फिल करना है ट्रे में, और फिर दोबारा इसको एवोपरेट होने देना चाहिए। सेकंड एवोपरेशन के बाद आप देख सकते हैं कि सॉल्टीनेस
अगर है सॉइल में तो इस तरह आपको मतलब कुछ बताएंगे, उसके लाइंस बताएंगे सॉल्टीनेस के। सो इसमें इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर 10% या 50% के नीचे है, बिलो 50% के नीचे है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर 50% के एबो सॉल्टीनेस बताएं तो उसको बेहतर है कि उस तरह का ब्रिक्स को आप अवॉइड करें कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि आपका बिल्डिंग के लिए भी इफेक्ट करेगा। अगर इस तरह आपका प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए और हम इसका रेमेडी जो है हम बताएंगे आपको। सो फ्रेंड्स, आप जब भी मटेरियल ऑर्डर देते हैं या फिर मटेरियल लेने के लिए जब जाते हैं तो ज़रूर आप जो भी 6 पॉइंट्स बताएं, कम से कम फर्स्ट 5 पॉइंट्स आप साइट पर चेक करना ज़रूरी है और 6 पॉइंट आप टेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो सॉल्ट्स अगर सॉइल में प्रेजेंस है तो आपका स्ट्रक्चर को इफेक्ट गिरता है और सारे क्रैक्स जो है उसको एक बार इंड्यूस हो जाएंगे तो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल की बात होती है। सो बेहतर है कि आप 6 to 6 पॉइंट्स आप टेस्ट करने की कोशिश करें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए।